In previous classes we see exercise 5.1, question number 1 and 2. Today we repeat again. Divide the following using repeated subtraction.
please complete in your notebook carefully. Now we see question number 3. In previous classes I have already explained question number 3, but today we also explain question number 3. आज हम लोग पुनः एक बार question number 3 को देख लेते हैं कि कैसे division fact को division fact में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, है ना। जैसे कोई भी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया हुआ है उसको डिवीजन फैक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। वह आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी बताया गया था और हम पुनः इसको रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोग और बेहद आसान तरीके से इसको समझ लें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू डिविजन फैक्ट, राइट टू डिविजन फैक्ट, राइट टू डिविजन फैक्ट फॉर द गिवन मल्टीप्लिकेशन, फॉर द गिवन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया हुआ है, जैसे 5 × 6 = 30, ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। 5 × 6 = 30 या 6 × 5 = 30, इसको डिवीजन फैक्ट में कैलकुलेट करना है, है ना। तो इसको पहले 30 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 6 = 30, ये ग्रोथ हो जाएगा। ये 6 से 30 में डिवाइड करेंगे, 6 × 5 = 30, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 30 / 5 = 6 एंड 30 / 6 = 5। ये जो 5 × 6 = 30, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, तो इसका डिवीजन फैक्ट हो जाएगा 30 / 5 = 6, है ना। और 30 / 6 = 5 × 6, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। 5 × 6 = 30, मीन्स ये 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 होता है, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 30 होता है। इसका डिवीजन फैक्ट भी इसी प्रकार से हम कैलकुलेट किए हैं, 30 / 5 = 6, 30 / 6 = 5। तो आप लोग इसको आसानी से कंप्लीट कर लीजिएगा। 9 × 2 = 18, तो क्वेश्चन नंबर बी 9 × 2 = 18। अब आप देखते हैं 9 × 2 = 18, 18 में आप 9 से डिवाइड कीजिए, 9 × 2 = 18। अब आप 2 से 18 में जो डिवाइड कीजिए, 2 × 9 =
तो ये 9 × 2 = 18 हुआ, तो इसको हम लोग डिवीजन फैक्टर 18 / 9 = 2 18 / 2 = 9। तो ये जो 2 डिवीजन फैक्ट हुआ इस मल्टीप्लीकेशन फैक्ट का ये 2 डिवीजन फैक्ट हुआ, तो 9 × 2 18 जो मल्टीप्लीकेशन फैक्ट है उसी का ये डिवीजन फैक्ट है। 18 / 9 = 2 एंड 18 / 2 = 9। तो इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन नंबर 3 में ए से एच तक आसानी से आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी आप लोग इसको कंप्लीट करते जाइए। फोर इंटू फाइव अगर आप लोग देख लेते हैं 4 × 5 = 20 इट मीन्स 20/4 फोर का क्या 20 5 / 20 = 4 तो ये 3 एग्जांपल्स के साथ हम लोगों को है ना मल्टीप्लीकेशन फैक्ट कैलकुलेट करने करके आप लोगों को बता दिया गया है ना। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरह ये आसानी से इसको कंप्लीट कर लेंगे। नाउ इसी क्वेश्चन नंबर 4 गिवन डिवीजन फैक्ट राइट द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट।
Thank you.